का पानी अपने मीडिया साथियों का धन्यवाद हमारे बार में की डिमांड थी कि हमारे को जैसे सेंटर में 27% का रिजर्वेशन है वो हमारे को जो हमारे को 75 साल से जम्मू कश्मीर में रहते हुए ओबीसी समाज को अधिकार नहीं मिले अब शायद हमारे को वो मिलेंगे। पंडित नरेंद्र भाई मोदी साहब से ओबीसी समाज को बहुत आशाएं थी अपेक्षा थी कि हमारे जहाँ जैसे भी पाउडी बैठे हैं प्रकाम जगावी लाल जी बैठे हैं बाकी हमारे साथी जहाँ जितने भी ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं वो आए हैं। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से आज जिला सांबा की जो हमारी ओबीसी इकाई जो प्रेस वार्ता की माध्यम से एक बात रखना चाहती है जैसे 1 और 2 तारीख को हमारे अमित शाह जी जम्मू में पधार रहे हैं। हमारी जो ओबीसी समाज की समस्या लंबे समय से चलती आ रही है 27% रिजर्वेशन की जैसे 370 हटने के बाद अब रास्ते में कोई रोड़ा नहीं रहा। पहले तो ये कहते थे कि 370 है ये जो जेके गवर्नमेंट है वो ही देखेगी लेकिन अब तो वो भी रास्ते से हट गया लेकिन उसके बाद भी हमारे को निराशा हाथ लगी है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं जैसे माननीय गृह मंत्री जी 1 और 2 तारीख को जहां जेके ड्यूटी में आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे ओबीसी समाज की जो समस्या है 27% रिजर्वेशन की उसको लागू करके जाएं ताकि हमारे जो लोग हैं वो खुश हो जाएं और अगर वो लागू करते हैं तो हमारा जो समाज है ओबीसी वो सारा का सारा बीजेपी को सपोर्ट करेगा। अगर नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ़ वोट डालेंगे ताकि आगे उनको ये इसका विरोध देखने को मिलेगा। शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। देखिए आज जहाँ जो मेन मकसद है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जनाब को ये बताना चाहता हूँ कि 1 और 2 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं तो उस दौरे में ओबीसी समाज को भी काफ़ी आस लगी है कि जो ही जम्मू में आएंगे और पहली मरतबा तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया था यहाँ का हमारे जो परसेंटेज थी जितनी जो पिछले साल हमें शुरू से मिलती आ रही थी लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम मुद्दा जो है वो ओबीसी को लेकर और एसटी को लेकर उठाया है तो मेरे ख्याल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो ही माननीय गृह मंत्री 1 और 2 तारीख को जम्मू में जब आएंगे तो मेरे ख्याल ओबीसी समाज जो है जो पिछले काफ़ी समय से जो नाराज चल रहा है उसके लिए एक खुशी की लहर होगी और जो आरक्षण की घोषणा है वो माननीय गृह मंत्री जो है वो अपने दौरे के दौरान जम्मू में जरूर करेंगे।